माय नेम इज़ ने सीमा वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ़ लाहौर स्मार्ट सिटी लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने लाहौर स्मार्ट सिटी की सेकंड बैलेटिंग और थर्ड बैलेटिंग की डेट्स जो है वो अनाउंस कर दी हैं इसके अलावा लाहौर स्मार्ट सिटी में जो 3.5 पॉइंट मरला रेजिडेंशियल प्लाट्स की बैलेटिंग पेंडिंग थी उसकी भी डेट की जो है वो अनाउंसमेंट कर दी है आज की जो वीडियो है दैट इज़ अबाउट द बैलेटिंग ऑफ लाहौर स्मार्ट सिटी लाहौर स्मार्ट सिटी के लेटेस्ट नोटिस के मुताबिक लाहौर स्मार्ट सिटी में जो सेकेंड जनरल बैलेटिंग पेंडिंग थी उसके लिए सोसाइटी ने जो वो थर्ड ऑफ अगस्त 2024 की डेट जो है वो अनाउंस की है थर्ड ऑफ अगस्त 2024 को रात 12 बजे के बाद जो वो आपकी बैलेटिंग जो है वो हो जाएगी ये कंप्यूटराइज बैलेटिंग होगी और आपके प्लॉट्स को जो है वो नंबर एलोकेट हो जाएंगे ये वो बैलेटिंग है जिन में क्लाइंट्स ने जो है वो लोकेशन सेलेक्शन का ऑप्शन जो है वो अडॉप्ट नहीं किया था और जनरल बैलेटिंग जो है वो सेलेक्ट किया था सकेंड बैलेटिंग जो है वो आपकी थर्ड ऑफ अगस्त 2024 इन द मॉर्निंग ट्वेल्व एम जो है वो हो जाएगी अब अगर हम बात करें लाहौर स्मार्ट सिटी में साढ़े तीन मन प्लाट्स की तो जिन क्लाइंट्स ने जो वो लोकेशन सेलेक्शन के ऑप्शन जो है वो किए थे उसके लिए सोसाइटी ने बैलेटिंग की डेट अनाउंस कर दिया है एंड दैट इज़ ऑफ अगस्त 2024 ट्वेंटी बजे सुबह मॉर्निंग में आप जो वो अपने लाहौर स्मार्ट सिटी के रेजिडेंशियल पॉइंटेंशियल की सोसाइटी ऑफिस विजिट करके अपना प्लॉट है चूज करना चाहते हैं तो तभी आप प्लॉट है वो चूज कर सकते हैं अब अगर हम बात करें थ्री पॉइंट फाइव मेला रेजिडेंशियल प्लॉट्स की जनरल बैलेटिंग की तो थर्टींथ अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को हो जाएगी जिन लोगों के पास लोकेशन सिलेक्शन के ऑप्शन अवेलेबल हैं थ्री पॉइंट फाइव मला रेजिडेंशियल प्लाट्स का वो अपना प्लाट थर्ड ऑफ अगस्त को चूज कर सकते हैं और जिनके पास जनरल बैलेटिंग की जो वो स्लिप्स हैं वो अपना प्लॉट थर्टीन ऑफ अगस्त को जो है उनको प्लॉट नंबर जो है वो एलोकेट कर दिए जाएंगे अब अगर बात करें थर्ड बैलेटिंग की तो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने थर्ड बैलेटिंग के लिए जो लोग अपनी पसंद का प्लॉट चूज करना चाहते हैं जिनको प्लॉट सेलेक्शन का ऑप्शन दिया था उसके लिए सोसाइटी ने सिक्सटी ऑफ अगस्त 2024 की अनाउंसमेंट जो है वो की है और जो थर्ड बैलेट होगा जो जनरल बैलेटिंग होगा जिन क्लाइंट्स को लोकेशन सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं है दिया जाएगा उनको प्लॉट नंबर जो है वो ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ अगस्त 2024 को एलोकेट हो जाएंगे अगर मैं दोबारा से रिपीट कर दूँ तो सेकेंड बैलेटिंग में जो जनरल प्लाट्स हैं उनको बैलेट किया जाएगा थर्ड ऑफ अगस्त ट्वेंटी को एट ट्वेल्व एम अगर हम थर्ड थ्री पॉइंट फाइव मतलब रेजिडेंशियल प्लाट्स की लोकेशन सिलेक्शन की बात करें तो वो आप थर्ड ऑफ अगस्त एलेवन एम ऑनवर्ड्स अपने पोर्टल के थ्रू या कैपिटल स्मार्ट सिटी या लाहौर स्मार्ट सिटी के ऑफिस विजिट करके अपने प्लाट जो है वो चूज कर सकते हैं थ्री पॉइंट फाइव मेला रेजिडेंशियल प्लाट्स की जो जनरल बैलेटिंग होगी दैट इज ऑन थर्टीन ऑफ अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी फोर और थर्ड बैलेट में जिन लोगों को जो है वो लोकेशन सेलेक्शन का ऑप्शन दिया सोसाइटी ने वो अपना प्लाट चूज कर सकेंगे ऑन सिक्सटीथ ऑफ अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी फोर और जिन क्लाइंट्स के पास जनरल बैलेटिंग की स्लिप्स हैं ऑफ थर्ड बैलेटिंग वो अपना प्लाट जो है वो उनके प्लाट नंबर एलोकेट होगा ऑन ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ये तो अनाउंसमेंट्स थी रिगार्डिंग द बैलेटिंग ऑफ लाहौर स्मार्ट सिटी इसके अलावा आज लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी का फेज टू जो है वो डिस्क्लोज कर दिया है उसका मैप जो है वो पब्लिक कर दिया है इस मैप में सोसाइटी ने जो, जो है वो दो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक किए हैं दैट इज ओसी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट एंड एक्जिव डिस्ट्रिक्ट अगर हम ओ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये लोकेटेड है लाहौर बाईपास और सियालकोट मोटर से जो इंटरचेंज बनता है उसके बिल्कुल एडजस्टेंट जो है वो लोकेटेड है अब अगर हम बात करें इसमें जो ब्लॉक्स हैं तो वो ईस्ट ब्लॉक में जो है वो सात ब्लॉक्स हैं सेक्टर ए सेक्टर बी सेक्टर सी सेक्टर डी सेक्टर ई e, सेक्टर एफ एंड नेबर रोड कमर्शल्स अब अगर हम बात करें सेक्टर ए की तो सेक्टर ए में जो है वो दो किनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं इसके अलावा तीन किनाल के जो है वो कमर्शियल प्लॉट्स हैं ये मैं ओसीज ईस्ट सेक्टर की जो है वो बात कर रहा हूँ अगर सेक्टर बी की बात करें तो सेक्टर बी में थ्री पॉइंट फाइव मला रेजिडेंशियल प्लाट्स टेन मला रेजिडेंशियल प्लाट्स एंड ए केनाल के जो है वो रेजिडेंशियल प्लाट्स हैं अगर हम सेक्टर सी की बात करें ओसीज ईस्ट की तो उसमें थ्री पॉइंट फाइव मला रेजिडेंशियल प्लाट्स एंड फाइव मला रेजिडेंशियल प्लाट्स हैं वो लॉन्च किए हैं सोसाइटी ने अगर सेक्टर डी की बात करें ओसीज ईस्ट की तो वहां पर सोसाइटी ने फाइव मला रेजिडेंशियल प्लाट्स टेन माला रेजिडेंशियल प्लाट्स ट्वेल्व मला रेजिडेंशियल प्लाट्स एंड वन केनाल रेजिडेंशियल प्लाट्स हैं सोसाइटी ने लॉन्च किए हैं अगर हम सेक्टर ई e की बात करें ओवरसीज ईस्ट की तो उसमें सात मल्ला के प्लॉट्स है वो सोसाइटी ने एलोकेट किए हैं इन ओवरसीज ईस्ट अगर हम सेक्टर एफ़ की बात करें तो वहाँ पे सोसाइटी ने फाइव मल्ला एंड सेवन मल्ला रेजिडेंशियल प्लॉट्स की जो है वो कटिंग्स रखी हैं ओवरसीज ईस्ट सेक्टर एफ में इसके अलावा सोसाइटी ने ओर ईस्ट में नेबरहुड कमर्शल्स भी जो है वो लॉन्च किए हैं जो कि बेसिकली एक मर्कज़ होता है सात आठ ब्लॉक्स के दरमियान में जो एक कमर्शल मर्कज़ होता है उसको उसकोबर कमर्शियल जो है वो कहा जाता है वहां पे सोसाइटी ने चार महिला और आठ महिला के कमर्शियल है वो लॉन्च किए हैं ईस्ट में टोटल जो है वो ब्लॉक्स हैं है है। अब अगर हम बात करें सेकंड डिस्ट्रिक्ट की जो सोसाइटी ने लॉन्च किया है ईस्ट डिस्ट्रिक्ट दैट इज बिंग लॉन्च एग्जेक्टिव ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में जो है वो टोटल नाइन ब्लॉक्स हैं जिसमें से सेक्टर ए सेक्टर बी सेक्टर सी सेक्टर डी सेक्टर ई सेक्टर एफ सेक्टर जी सेक्टर एच एंड नेबरहुड कमर्शल हैं अगर हम सेक्टर ए की बात करें तो वहां पे सोसाइटी ने सात मरला दस मरला बारह मरला और एक केनाल के जो वो है वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स है वो एलोकेट किए हैं इसके अलावा तीन केनाल और दस किनाल के जो है वो कमर्शियल प्लाट्स सोसाइटी ने जो है वो सेक्टर ए में रखे हैं एग्जेक्टिव ईस्ट के अगर हम सेक्टर बी की बात करें तो वहाँ पे सोसाइटी ने पांच मरला सात मरला दस मल्ला और एक केनाल की कटिंग्स जो है वो रखी हैं अगर हम सेक्टर सी की बात करें एग्जेक्टिव ईस्ट में तो वहाँ पे सोसाइटी ने सिर्फ पांच मिला प्लाट्स की जो है वो कटिंग्स रखी हैं अगर हम सेक्टर डी की बात करें ओ ईस्ट की तो वहाँ पे सोसाइटी ने पाँच मरला और सात मला प्लाट्स की जो है वो कटिंग्स रखी हैं अगर हम सेक्टर ई e की बात करें तो वहां पर सोसाइटी ने एक केनाल रेजिडेंशियल प्लाट्स की जो है वो कटिंग्स रखी हैं अगर सेक्टर एफ की बात करें एक्जेक्टिव ईस्ट की तो वहाँ पर सोसाइटी ने दस मरला और एक केनाल रेजिडेंशियल प्लाट्स की जो है वो कटिंग्स रखी हैं इसके अलावा सेक्टर जी एग्जेक्टिव ईस्ट में सोसाइटी ने

1377 हंड्रेड एंड का एरिया जो है वो रिज़र्व किया है फॉर द थीम पार्क एंड फॉर द स्पोर्ट्स अब एक्टिविटीज़ जिसमें क्रिकेट स्टेडियम फ़ुटबॉल स्टेडियम्स और बाकी जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और थीम पार्क के लिए ये लैंड जो है वो रिज़र्व किया है इसके अलावा सोसाइटी ने 558 हंड्रेड एंड के एरिया जो है वो रिज़र्व किया है फॉर द लगून जिसके सराउंडिंग्स में वन केनाल टू केनाल एंड फोर केनाल के विलस लग्जरी विलाज जो है वो लॉन्च किए जाएंगे इसके अलावा सोसाइटी ने फोर थाउजेंड केनाल का एरिया जो है वो रिज़र्व किया फॉर द गोल्फ़ कोर्स जिसमें फोर्टीन होल पीजे स्टैंडर्ड गोल्फ कोर्स बनाया जाएगा और ये इस्लामाबाद की तरह का सेम गोल्फ कोर्स होगा और बड़ा खूबसूरत जो है वो गोल्फ कोर्स बनाया जाएगा इसके अलावा सोसाइटी ने जो थर्ड बैलेटिंग के लिए लैंड है वो भी रिजर्व की हुई है उसका मैप जो है वो सोसाइटी ने अभी पब्लिक नहीं किया जब मास्टर प्लान इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं उसमें अगर आप थोड़ा सा एरिया देखें तो वो ब्लर है दैट इज़ फॉर द थर्ड बैलेटिंग ऑफ लाहौर स्मार्ट सिटी सो वीवस दिस वाज इट फ्रॉम टुडे अगर आपको लाहौर स्मार्ट सिटी में बैलेटिंग या कैपिटल स्मार्ट सिटी में बुकिंग के रिलेटेड कोई भी इनफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड डू विजिट अवर वेबसाइट डब्ल्यू अगली वीडियो तक शारिय सीमा को दीजिएगा जल्द अल्लाह हाफेज